basically, kind of from the basic. कोई बात नहीं. तो यूजर फॉर्म हम देखिए यूजर फॉर्म लिए, अब इसको अपने हिसाब से ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं. बेसिकली इसमें ज्यादा ड्रॉइंग का पार्ट होता है, कोडिंग का पार्ट ज्यादा नहीं होता है, तो आप इसको समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है. हमने विजुअल एसी को ओपन किया, इंसर्ट पे गए और यूजर फॉर्म ले लिया, हमारा यूजर फॉर्म हो गया. यूजर फॉर्म को अपने साइज के हिसाब से बड़ा कीजिए. शोर हो रहा है, मैं कहां अंदर चला गया, इसको दरवाजा बंद कर दो. टूल बॉक्स आपके पास है, यहां से लेके आप ड्रॉ कीजिए. तो जैसे आप vv.net वगैरह में करते हैं उसी तरह से, राइट सर. तो आज का सबसे बड़ा टॉपिक हम बता रहे हैं कि मल्टी सिलेक्शंस कैसे करेंगे और मल्टी सिलेक्शंस को कैसे यूज करेंगे ताकि हम एक प्रोजेक्ट कर सके वर्कशीट का, ठीक है. तो लिस्ट बॉक्स, पहले हम लिस्ट बॉक्स को ड्रैग करते हैं. ड्रैग किया, ज्यादा बड़ा हो गया काफी, हम थोड़ा छोटा कर देते हैं. और ऊपर हम यहाँ इसे क्लिक करके लेवल देते हैं जिसपे हम हेडिंग दे सके, और हम यहाँ पे हेडिंग दे दिया सेलेक्ट सिटी. और फिर यहाँ पे हम ओके करते हैं, बटन देते हैं, कमांड बटन, ओके. अब ये सिंपल देख रहे हैं और कंसेप्ट को समझ रहे हैं, फिर हम प्रोजेक्ट में समझेंगे. ठीक है निकांत जी. सर एक क्वेश्चन दिमाग में था. हाँ, ये फॉर्म का बटन होता है अभी ग्रे कलर का है. हाँ, मैं ऐसा कलर चेंज नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? आप इस बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपको दिख रहा है बैक कलर, इसकी प्रॉपर्टी में. अच्छा, जैसे हम लोग सब मैक्रो के बटन बनाते हैं इंसर्ट में जाकर, वो वाला बटन कैसे चेंज होता है कलर? इंसर्ट में जाके यहाँ इसमें बोल एक्सेल में जैसे बटन बनाते हैं सर, इंसर्ट में जाकर फॉर्म कंट्रोल, इसका कलर कैसे चेंज होगा? इसका भी कलर सेम चेंज होगा. इसको ड्रैग कर लिया ना आपने, कंसीडर करता हूं मैं. यहां पे जैसे कलर आ गया, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी में जाइए, इसके भी बैक कलर होता है. ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू. नहीं, आई थिंक कलर नहीं होता इसमें, इसमें कलर नहीं होता सर, इसमें कलर नहीं, कलर प्रॉपर्टी है. नहीं सर, इसमें नहीं कर सकते. ये जो ये फॉर्म कंट्रोल लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल का यहाँ फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ कलर आप चेंज कर सकते हैं. समझ गए सर? यहाँ तो अनहाइलाइटेड है सर. अनहाइलाइटेड है, वो भी तो देख रहा हूँ. सही है. तो आप खुद से बटन, आप देखिए एक्सेल इस पे टूल्स में आप खुद से अपना बटन डिजाइन कर सकते हैं. यहाँ से लीजिए, खुद से डिजाइन करेंगे. मैक्रो कैसे असाइन करेंगे सर? अब ये चीज आप भूल गए सर. राइट क्लिक कीजिए, असाइन मैक्रो दिखेगा, असाइन मैक्रो. कर रहा था, मेरे को तो आ ही नहीं रहा था असाइन. देखिए असाइन मैक्रो, ठीक है ना? थैंक यू. आई थिंक आप, मुझे लग रहा है कि आप ये कर रहे होंगे, इसमें फॉर्म कंट्रोल में जाएंगे ना, यहाँ एक एक्टिविस कंट्रोल करेंगे तो उसमें नहीं होता है, उस पर डायरेक्ट कोड होता है. अब मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, प्रॉपर्टी लेता हूँ. प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग फॉर्म वन चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट बॉक्स टेक्निक. फिर मैं इस पे कोड करता हूँ, यहाँ पे यूजर फॉर्म और इनिशियलाइज करता हूँ, क्योंकि इनिशियलाइज भी बनाएगा ना, तो हम सिटी ऐड करते हैं. शोर आ रहा है किसी के बैकग्राउंड से, आप लोग अपने में म्यूट कर लीजिए, जब पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा. तो यहाँ पे मैं देता हूँ विथ मी डॉट लिस्ट वर्क्स वन डॉट एड आइटम, और अपने सिटी दे दीजिए जो भी सिटी है. और डालने का तरीका आपको पता ही है, ठीक है. मैं यहाँ मैनुअल डाल देता हूँ, लेकिन आप अपने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना तरीका यूज कीजिएगा, ठीक है सर, जो कि हम लास्ट दो क्लास में पढ़े हैं. तो जितने भी सिटी है हम ऐड आइटम करके डालते चले जाएंगे.
हमारा हो गया कानपुर, और फिर यहां पे हम एंड विथ कर देते हैं। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, प्ले करते ही हमारे पे लिस्ट सिटी में आ गया। अब इसमें क्या है कि मैं इसी एक को सिलेक्ट कर पा रहा हूं, और जैसे ओके करता हूं तो मैं इसकी वैल्यू मैं यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूं कि रेंज A1.value इक्वल टू मी डॉट listbox1.value, कि रेंज की वैल्यू listbox की वैल्यू बराबर हो जाए। तो इसको सिलेक्ट करके जैसे हम ओके करते हैं तो ये चीज यहां आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे एक ही चीज को सिलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन लिस्ट बॉक्स में कई जगहों पे आपने देखा होगा कि हम कंट्रोल दबा के या शिफ्ट दबा के या नॉर्मली क्लिक करके हम कई सारे सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कई सारे सी सेल को कैसे सिलेक्ट करेंगे और उसकी वैल्यू कैसे हम एक्सेल रिपीट करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले तो मल्टी सेल सिलेक्ट हो, इसके लिए हमें लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाना होगा, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद मल्टी सिलेक्ट को, यहाँ पे सिंगल है, सिंगल के जगह पे मुझे मल्टी सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट, सिलेक्ट मल्टी, मल्टी सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा कि जब हम प्ले करेंगे तो हम एक से ज्यादा को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब ओके करेंगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जब आप एक से ज्यादा सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल सा डॉट वैल्यू करने से नहीं आएगा, फिर उसके लिए हमें एक कोड डालना, एक मतलब एक प्रोसेस देना पड़ेगा। चलिए ओके पे उसी प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे क्योंकि कई सारे सिलेक्टेड है तो हर एक आइटम को चेक करना पड़ेगा क्या वो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है तो मुझे फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां लिखता हूं कि 4i इक्वल टू चले 02 लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या बताएगा, कितने काउंट है, लेकिन ये माइनस वन करना पड़ेगा क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया हुआ, इसलिए। फिर यहां कंडीशन देंगे कि इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड में कौन सा सिलेक्टेड है, आई, मतलब वन बाय वन चेक करेगा, इसलिए आई दिया हमने, देन MSC नहीं यहां पे, हाँ, रेंज पैंसठ हजार, एक के नीचे करना है इसलिए 65,000 देते हैं, डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने बोल दिया लिस्ट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट लिस्ट वर्क्स वन डॉट लिस्ट, और यहां पे हम आई देते हैं, मतलब इसका सीक्वेंस नंबर, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम एंड इफ कर देते हैं, और फिर हम सॉरी एंड इफ को एंड खत्म करते हैं, और फिर इसको नेक्स्ट हम आई कर देते हैं। अब क्या होगा, जैसे हम यूजर फॉर्म ऑन करेंगे और हम जैसे कि हमने तीन सेलेक्ट कर रखा है और ओके करेंगे तो देखिए वन बाय वन यहाँ तीनों आएगा। तो रजनीकांत जी समझ में आया आपको ये चीज, कोड समझ में आया? हाँ, समझ में आया थोड़ा, ये वैसे ही मैं ऑफसेट वाले हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, वही चेक कर रहा हूँ दिमाग में। ऑफसेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक के नीचे करना, अगर ऑफसेट आप नहीं लगाते हैं तो एक काम और कर सकते हैं आप यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दूं कि dim r as a range, ठीक है, सॉरी आर एजिस्टिंग इंटीजर कर दीजिए इंटीजर। सर हमें यहाँ पे ऑफसेट की जो वैल्यू रो चेंज करना था तो हमने 1,0 लिखा, बट हमने वो नहीं किया, आई नहीं लगाया इसमें, आई को लगाएंगे हम, तभी तो सर वो रो चेंज होगा ना सर। नहीं नहीं देखा हमने क्या बोला, ए 65,000 से जाए तो ये क्या करेगा कि यहाँ से ऊपर बढ़ेगा, ठीक है ना,
फिर जहां कर्सर रुकेगा वहां से एक सिलिया नीचे आना है। ठीक ठीक सर, ठीक सर। तो हर बार तो सबसे लास्ट में ही जाएगा ना। हाँ। अब आई कब लगाना होगा, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ डेड। हमने सिंगल कोट लगा दिया तो ए लाइन डेड हो गया। अब मैं अगर करूं कि यहाँ पे आर इक्वल टू आर प्लस वन कर दिया, क्योंकि आई नहीं कर सकता क्योंकि आई जीरो से स्टार्ट है और जीरो कोई रेफरेंस नहीं होता, इसलिए हम एक ले लिया हमने एक सिक्वेंस। और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा कि रेंज, यहाँ पे करेंगे कि ए के साथ कंबाइन हो आर। अगर आई स्टार्ट हो वन से तो आप इसी आई को ले सकते हो, लेकिन आई जीरो से स्टार्ट इसे यहां नहीं ले देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे इस तरह से चाहिए ए वन वी वन सी वन चाहिए ना। इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट और यहां पे जीरो देंगे। तो आई को जीरो से स्टार्ट करने का पर्पस ही था क्योंकि लिस्ट में एक काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करता है, वरना मैं यहां पे वन से कर सकता था, समझ गए। यस सर, यस सर। और फिर इसको इसको हम करेंगे, या दूसरा तरीका है कि इसको आप हटा दीजिए। मैं दूसरा एक दूसरा तरीका ये मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। दूसरा तरीका होगा कि इसको भी डेट कर देता हूँ, इसको डेट कर देता हूँ और मैं यहाँ वन वन से लेके लिस्ट बॉक्स काउंट तक चलता हूँ, समझ गए। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करता हूँ, उसको पेस्ट करता हूँ। हाँ, अब यहां पे भी हम करेंगे माइनस वन और यहां भी करेंगे हम लिस्ट बॉक्स यहां पे आई माइनस वन यहां पे आई, समझ गए। यस सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मैटर इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। और दूसरी चीज आप देखिए, आपने मल्टीपल सिलेक्शन ले लिया ना हमने, अब मैं इसके जो ये है फॉर्मेट स्टाइल है, जो स्टाइल प्लेन होता है, इसमें मैं ऑप्शन कर दिया। अब देखिए, अब इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे चेक बॉक्स आ गया, आ गया, ठीक है। मन में आया सर? Yes, sir. अब जैसे कि मैं एक डेटा बनाता हूं, या मैं डेटा कहीं से ले ही लेता हूं, बनाने की जरूरत नहीं है। सुरेश जी, कुछ दिमाग में घुस रहा है या ऊपर से जा रहा है? या yeah, I'm listening. नहीं है, कुछ समझ पा रहे हैं या फिर ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, पूछ रहा था सर। समझ में तो आ रहा है, my kind of like I know this all stuff, मगर I just wanted to begin with basic starting. हाँ, begin के लिए तो demo है, तो आप देख लीजिए, फिर हम start begin से करेंगे। Okay, okay, yeah. चलिए, अब मेरा data ये आपके पास आ गया। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो हम list box इस्तेमाल कर रहे हैं, उस लिस्ट बॉक्स के अंदर में पूरा का पूरा ये डेटा आना चाहिए। फिर मैं जिस जिस पे क्लिक करूंगा वो सेल हमारा हाईलाइट होना चाहिए। मैं तो हाईलाइट करा रहा हूं, आप अपने से कुछ भी करा सकते हैं, समझ गए। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके इसके बिहाफ पे रजनीकांत जी मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको। बड़ा डेटा है तो मैं यहां से कुछ बड़ा डेटा लेता हूं और लिस्ट बॉक्स को भी यहां से लिस्ट बॉक्स, हाँ, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, हाँ, लिस्ट बॉक्स को भी हम बड़ा लिख कर देते हैं यहां पे। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे लिस्ट बॉक्स के अंदर में ए है, मतलब कि कॉलम कितने हैं वो देने पड़ेंगे, एक से ज्यादा कॉलम भी दे सकते हैं हम, 11 है ना। अब मैं यहां पे कॉलम काउंट होता है, ठीक है, कॉलम काउंट कितना था यहां पे 11, तो कॉलम काउंट में मुझे यहां 11 देने पड़ेंगे।
और जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा हमारा है, तो डेटा इस डेटा का A1 से ऐसे तो डेटा तो ऐड करने का बहुत तरीका है, लेकिन मैं अपना सिंपल तरीका यूज करता हूँ क्योंकि आप अपने हिसाब से डेटा एज पर डेटा आप यूज कर सकते हैं। C2A1 से लेके K9, तो इसी के रो सोर्स जो है इसी में हम रो सोर्स में जाते हैं। रो सोर्स यहां पे देते हैं sheet2/A1 से लेके K109, सारा डेटा आ गया। और फिर इसमें हम मल्टी सिलेक्ट जो है हमारा सिंगल के जगह पे हम यहां पे मल्टी सिलेक्ट कर देते हैं और प्लेन के जगह पे ऑप्शन कर देते हैं। और फिर मैं जैसे इसको प्ले करूंगा, सॉरी इसको जैसे मैं मेरा रन होगा तो मेरा डेटा इस तरह से आएगा, ठीक है सर। मैं जिस जिस पे क्लिक करूं वो डेटा यहां भी हाईलाइटेड होना चाहिए, समझ गए। चलिए तो मैं मेरा एक्शन कब मूव होने वाला है, लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और लिस्ट बॉक्स 1.click पे हम चेंज करते हैं, यहां पे वही करेंगे लूप कि 4 i इक्वल टू चले 0, 2 या 1, 2 कर देते, -1 कर देंगे 1, 2 मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1. लिस्ट काउंट है ना, लिस्ट काउंट नेक्स्ट आई, ठीक है। फिर यहां पे करेंगे कि इफ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1.selected और इसमें करेंगे i-1 क्योंकि यहां 0 होना चाहिए ना, देन यहाँ पे शीट्स नहीं, यहाँ पे हाँ रेंज, यहाँ पे देते हैं रेंज, फिलहाल मैं A1 लिख देता हूं। यहाँ पे A1 entire कॉलम कैसे करेंगे, यहां पे एक मिनट, इंटीरियर होगा, हाँ सॉरी इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन, लेकिन यहाँ रेंज A1 तो नहीं करना है ना, रेंज यहां पे हो जाएगा सेल्स 1, i, 1, 1, sales i, अब इसका कितना लास्ट कॉलम कॉलम है, यहाँ पे 11 कॉलम है ना, 11 कॉलम नंबर देना पड़ता है सेल्स में, तो 11 ले लिए, राइट। कि आई जो रो नंबर सिलेक्टेड होगा उसकी पहली सेल से लेके पहली कॉलम से लेके उसकी अगली कॉलम की कलर को ग्रीन कर दिया जाए। और फिर मैं यहां पे एंड इफ करता हूं, ठीक है। और यहां पे अब देखिए नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या,
अच्छा यहाँ पे सीट्स सीट्स में सीट टू ट्रेंच लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लिक सही तो चल रहा है कलर नहीं हो रहा नहीं कोई कलर नहीं हुआ एक मिनट देखिए इसमें गड़बड़ हो रहा है पता नहीं क्यों क्योंकि हमने कोड तो सही लिखा है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसमें अब इसको हम कुछ करते रुकिए एमएसजी बॉक्स इवेंट ही काम नहीं कर रहा है लग रहा है अच्छा हाँ माफ कीजिएगा बेसिकली ए जो है इस पे काम नहीं करता है मल्टी सिलेक्ट करने पे ले जो क्लिक वाला ऑप्शन है मैं अभी याद है भूल गया था मैं क्लिक वाला ऑप्शन काम नहीं करता है तो एक मिनट मैं इसको कट करता हूँ और इस पे डालता हूँ डबल क्लिक में सिंगल पे करता है मल्टी सिलेक्ट पे नहीं करता है डबल क्लिक भी नहीं करेगा मतलब कि यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है ना ये इस पे काम करेगा कब जब मैं यूजर फॉर्म में जाता हूं इसको ये जो आपका मल्टी सिलेक्ट जो हमने क्लिक मल्टी सिलेक्ट कर रखा है मल्टी सिलेक्ट को अगर मैं सिंगल कर देता हूं फिर देखिए कैसे होता है काम फिर ये वर्क करेगा क्या ना वर्क ठीक है सर आया समझ में सर रजनीकांत जी तो ये मल्टी सिलेक्ट भी चलेगा इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है अब इसमें एक और प्रोजेक्ट हम करते हैं सर्च का कि मैं यहां पे लिस्ट बॉक्स लेता हूं और यहां पे मैं चेक बॉक्स लेता हूं और यहां पे मैं एक बटन लेता हूं सर्च और टाइटल यहां डाल देता हूं अब मैं चाहता हूं कि यहां पे बहुत सारे डेटा है हमारे पास जैसे मैं मंथ जो भी मैं सिटी डालूं या मंथ मान लीजिए मंथ डालूं उस मंथ का डेटा सिर्फ उसी मंथ का डेटा दिखना चाहिए जैसे मैं यहां पे लिख दिया जैन सर्च पे क्लिक किया तो यहां पे जैन का डेटा आना चाहिए मैंने यहां पे फैब कर दिया तो यहाँ पे मुझे जो है फैब का डेटा ही आना चाहिए मतलब कि सर्च करते जो करते हैं ना उस तरह से यहाँ पे होना चाहिए समझ गए सर तो चलिए इसके लिए हम कमांड करते हैं लेते हैं अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मतलब कि कुछ पर्टिकुलर डेटा को हम कैसे इसमें डालेंगे चलिए वही करते हैं यहां पे हम यहां एरे डिफाइन करेंगे कि डिम डी टी उसमें वन टू
मैंने यहाँ पे दे दिया 150 रो है कॉमा 1 to 11 नंबर रो है, और एज हम वेरिएंट कर देते हैं क्योंकि डेटा है पूरा, वेरिएंट कर देते हैं। फिर यहाँ पे लूप लगेगा कि फोर आई से फोर आई आई इक्वल टू चले 2 to 2 दो से लेके रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट रो, ठीक है। और नेक्स्ट आई, और कंडीशन होगा कि इफ इफ सेल्स सेल्स में हमारा आई रो एंड कॉमा 11 कॉलन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट टेक्स बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, देन फिर एक और लूप यहां चलेगा कि 4 जे इक्वल टू चले 1 टू 11 क्योंकि कॉलम 1 टू 11 है, और फिर डी टी के अंदर में हम करेंगे आई रो एंड जे कॉलन, नहीं नहीं यहाँ पे जे कॉलम तो सही है लेकिन आई रो नहीं चलेगा यहाँ पे हम, क्योंकि रो तो कुछ हो नहीं भी मिलेगा, कंडीशन नहीं भी है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू आर प्लस 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे करेंगे हम सेल्स डी टी यहाँ पे कि डी टी इक्वल टू आर कॉमा जे इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा सेल्स सेल्स में आई रो एंड जे कॉलन, यहाँ पे आई लगेगा डॉट वैल्यू, और यहाँ पे नेक्स्ट जे कर दिया, और यहाँ पे एंड इफ और नेक्स्ट आई तो है ये है। उसके बाद नीचे करेंगे मी डॉट लिस्ट वर्क्स 1 डॉट लिस्ट इक्वल टू हम कर देंगे डी टी। अब देखिए ये वर्क करता है कि नहीं करता है, मैं डालता हूं यहां पे अप्रैल। अब यहां पे एक ही आया क्योंकि हमने यहां पे मल्टी कॉलम कॉलम काउंट में 11 नहीं दिया, यहां पे मुझे 11 देना होगा कॉलम काउंट, क्योंकि जब तक आप नहीं दोगे कितना कॉलम एक्सेप्ट करना है वहां पे नहीं लेगा, तो यहां पे हमने कर दिया अप्रैल एंड सर्च। आ गया सर, बट यहां पे एक प्रॉब्लम है कि ये हेडिंग नहीं आया क्योंकि हमने डीटी पे हेडिंग स्टोर ही नहीं किया है, डीटी के ऊपर हमने हेडिंग स्टोर ही नहीं किया है। अब मुझे डीटी के ऊपर हेडिंग स्टोर करना है तो मैं यहां करूंगा ऊपर में कि आर इक्वल टू 1 मैं कर देता हूं, और फिर यहां पे हम इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं 1 to 11, और यहाँ पे R हो गया सही है, यहाँ पे कॉलन J हो गया सही है, यहाँ पे रो फिक्स हो जाएगा 1 पहले रो से कर रहा है और नेक्स्ट J। अब देखेंगे इस पे तो अब आपका हेडिंग में आएगा कि अप्रे यहाँ पे APR अप्रैल और सर्च कीजिए, हेडिंग आ गया राइट सर। अब इस कोड को समझिए और बताइए कि क्या दिक्कत है इस कोड में। रजनीकांत जी यस सर, कोई दिक्कत नहीं कोड में? ठीक है सर, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर। ओके अब दूसरा इसमें आता है कि मुझे इस पे सर्च करना पड़ता है, मैं जैसे टाइप करते जाऊंगा मुझे यहां दिखते रहे, समझ गया सर, कि मैं जैसे जैसे टाइप करूं वैसे से दिखता रहे। तो मैंने यहां पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया है उसके लिए, और मैं इस पे क्लिक पे जाऊंगा और जो कोड मैंने यहां लगाया हुआ है ना इसी कोड को हम कॉपी करके यहां लगा देंगे,
टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट चेंज, और यहां जहां पे हमने टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू हमने किया हुआ ना, टेक्स्ट बॉक्स वन इक्वल किया हुआ है, ये टू हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब प्ले कीजिए, मैं यहां पे लिखता हूं ए पी आर अप्रैल, अच्छा ये केन सेंसिटिव होता है एपीआर अप्रैल। अब यहां पे ध्यान रखिए ए के सेंसिटिव होता है, तो के सेंसिटिव नहीं रखना है तो क्या करेंगे सर, कि यहां पे इसको भी आप करेंगे यू केस, मतलब कि अपर केस, केस सेंसिटिव समझते हैं ना, बड़े छोटे का फर्क रखता है। अब ये बड़े छोटे का फर्क नहीं रखेगा यहां पे ए पी आर अप्रैल, राइट। तो यहां पे अप्रैल के जगह पे मैं सिटी कोड दे देता हूं, सिटी कोड, जैसे सिटी हो ना सिटी कोड, तो मैं 11 के जगह पे 10 कर देता हूं यहाँ पे, इसकी कोड में जाके जहां पे टेक्स्ट बॉक्स टू चेंज है ना, यहाँ 10। तो अब ए सिटी के हिसाब से चलेगा, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिल्ली, डी एल आई आई दिल्ली, दिल्ली का आ गया। अब मैं इसमें न्यू दिल्ली करता हूं, न्यू दिल्ली आ गया। मैं यहाँ पे पुणे करता हूँ, पुणे आ जाएगा। मैं यहाँ पटना करता हूँ तो पटना आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको इस एग्जाम्पल को मैं आपको भेज रहा हूं सर, ठीक है रजनीकांत जी। अब इसमें होमवर्क नोट कीजिए आप, यस सर। पहला होमवर्क ये करना है कि सिर्फ दिल्ली किया तो यहां पे सिर्फ दिल्ली आ रहा है, न्यू दिल्ली नहीं आ रहा है। हाँ सर दिल्ली आ रहा है, न्यू दिल्ली नहीं आ रहा है। यहां पे जब मैं न्यू दिल्ली करूंगा तो फिर न्यू दिल्ली आता है। अब आपको इसमें इस तरह की चेंजिंग करना है इस कोड को, ताकि वो दिल्ली को भी सर्च करे और न्यू दिल्ली को भी सर्च करे। सवाल समझा सर। अब प्रॉब्लम यहां पर है कि जैसे मैंने यहां पे मान लीजिए मैं पुणे कर दिया, पुणे का रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है, तो मुझे अभी फिलहाल चेंज करने के लिए एक्सेल सीट के डेटा पे जाना होगा, तब जाके चेंज होगा ना। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा एक और यूजर फॉर्म बनाए, जब मैं इस पे डबल क्लिक करके ओपन करूं, समझे, डबल क्लिक करके ओपन करूं, तो ये पूरा का पूरा लिस्ट एक उस यूजर फॉर्म में आ जाए जहां पे मैं चेंज कर सकूं, और जैसे मैं वहां पे चेंज करूं, मुझे वहां पे मुझे मेरा डेटा मेरा सीट पे अपडेट हो जाए और यहां भी अपडेट हो जाए, ठीक से समझ गया। वो वाला सर, दूसरा वाला आप बताएंगे बनाना, आपको बनाना है सर। अच्छा दूसरा वाला भी मुझे ही बनाना है। क्यों, सिंपल है, बता दो क्या है। आपको एक और यूजर फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा, तो बताता हूँ आपको मैं, एक और यूजर फॉर्म आपको डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और इस यूजर फॉर्म में आपको चेक टेक्स्ट बॉक्स लेने पड़ेंगे, कितने 11 है ना, 11 टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा इसकी आईडी के लिए, ठीक है, और इस आईडी के बिहाव पे आपके बाकी 10 फील्ड आ जाएंगे। आपको याद होगा जब मैं यूजर फॉर्म की पहली या दूसरी क्लास लिया था, उसमें बताया था किस तरीके से हम सीट से डेटा को रिट्रीव करते हैं और किस तरह से सीट पे डेटा को वापस सेंड करते हैं, याद है या भूल गए, याद है ना। तो आपको यहां पे सिर्फ करवाना क्या है पता है, अब आपको यहां पे सिर्फ क्या करवाना है, पहला काम करवाना है कि जब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो हमारा ये आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी, इस एम्प्लॉय आईडी को सीट यूजर फॉर्म 4 के यहां पे वो डाल दे, और जैसे यहां पे आईडी डलेगा आप
ये जो डेटा शेलिंग डेटा रिट्रीव मेथड याद होगा, उस डेटा रिट्रीव मेथड से बाकी पे अपने आप डेटा आ जाएगा, आ जाएगा, नो इशू, नो इशू। और फिर मैंने आपको बताया था एडिट चेंज याद होगा, यूजर माने कि यूजर फॉर्म से डेटा वापस भेजना, हाँ हाँ वो हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ पे चेंज करके जैसे वो सबमिट पे क्लिक करेगा डेटा शीट को अपडेट हो जाएगा, जब डेटा शीट अपडेट होगा तो ये तो अपने आप अपडेट हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो उसी को रिप्ले यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक सर अब तो हो जाएगा ना सर। हाँ मैं कोशिश करता हूँ। आपको बस दो एक ही चीज करना है एक ही मेथड ढूंढना है कि लिस्ट बॉक्स पे जब हम डबल क्लिक करें तो उसकी जो इम्प्लॉई आईडी है वो इम्प्लॉई आईडी यूजर फॉर्म दूसरे वाले यूजर फॉर्म के यहाँ पे पुट कर दे। जब यहाँ पे जो आईडी हमारा पुट हो जाएगा तो आईडी के बिहाव से डेटा रिट्रीव करना मैं आपको बता रखा हूं, अगर नहीं याद होगा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक सर, ठीक है। दूसरा चीज, अब मैं इस पे हिंट कर देता हूं कि दिल्ली और न्यू दिल्ली वाला मैंने बताया आपको, उस पे भी आपको लग रहा है कैसे होगा, तो वहां पे इफ कंडीशन नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा काउंट इफ। अच्छा ठीक सर, ठीक सर, समझ गए। अब बाकी आप हाँ, तो समझदार हैं, कर सकते हैं। अब नहीं होगा फिर तो फिर मुझे अगली क्लास में मुझे बताना ही पड़ेगा। ठीक है सर, लेकिन मैं आशा करूंगा कि अगली क्लास में मुझे बताना ना पड़े, आपको ढूंढ लें। ठीक सर, क्या मैं ऐसा आशा कर सकता हूँ? हाँ सर आशा कर सकते हैं। चलिए, तो और कुछ पूछना है आपको आज की इस क्लास में या फिर प्रीवियस कोई क्लासेस से? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, आज की जो क्लास है क्या यूट्यूब पे चलेगी क्या? वो जाएगी थोड़ी देर में, आधे घंटे में अपलोड होगी ना वैसे? हाँ हाँ सर, ये मेरे को भी भेज देना प्लीज, ये जो आपने बना करा है ना इसकी वो भेज देना मेरे को। ठीक ठीक सर। एक्सेल जैसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, एक्सेस में रिमूव डुप्लीकेट करना हो तो क्या करें सर? एक्सेस में रिमूव डुप्लीकेट का तो सर पहले तो ग्रुप बाय लगा के रिमूव क्वेरी चलाना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं होगा। क्वेरी में सर कोई हिंट दीजिए क्या कर सकते हैं? डिलीट क्वेरी चलाना। ग्रुप बाय में सर कह रहा हूँ कि उसी सेल का काउंट इफ से जब लगा रहा हूँ तो काउंट इफ वाला फंक्शन कह रहा है कि इस यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ग्रुप बाय के नीचे मैं वेयर में लगा रहा हूँ सर। नहीं नहीं ग्रुप बाय नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा काउंट कंडीशन, यहाँ पे कन्वेयर कंडीशन लगेगा कि वो चेक करेगा पहले कि कहाँ कहाँ पे है, मतलब कि डुप्लीकेटिंग कौन 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 रो फिल डेटा डुप्लीकेट है उसको वन बाय वन डिलीट करेगा। सर कोई वीडियो होगा तो सर जरा भेजिएगा सर। ठीक है, मैं टाइम निकाल कर बना देता हूँ फिर भेजता हूँ। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय बाय सर।